नमस्ते सभी को। तो अभ्यास 2 के स्टेप 5 पे हम लोग काम कर रहे थे। उसमें हम बारीकी से जिस प्रकार से हम संवेदना को अर्थ देते हैं उसको देखने का अभ्यास कर रहे थे। तो पिछले दिन हम लोगों ने व्यवहार को कैसे हम अर्थ देते हैं उसको देखने का अभ्यास किया। कल शरीर से बाहर जो भौतिक रासायनिक घटनाएं हो रही हैं उससे जो संवेदना उत्पन्न हो रही है शरीर में, उसको मैं कैसे पढ़ता हूँ, कैसे अर्थ देता हूँ, इसको समझने का प्रयास कर रहे थे। इसको और हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, इसको और बारीकी से देखेंगे। इसको ब्रीफली अगर रखें पूरी अभ्यास 2 को, तो अभ्यास 2 में हम स्वयं द्वारा शरीर को देखने का अभ्यास कर रहे हैं। पहले स्टेप में हमने स्वयं और शरीर इन दो वास्तविकताओं को अलग अलग पहचानने का अभ्यास किया। स्टेप 2 में स्वयं और शरीर यानी मैं और शरीर के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है उसको देखने का प्रयास किया और देखा कि मेरे और शरीर के बीच सिर्फ सूचना का आदान प्रदान है, कोई भौतिक रासायनिक आदान प्रदान नहीं है। स्टेप 3 में हमने ये देखा कि ये निर्णय किसका है, जो भी आदान प्रदान मैं कर रहा हूँ शरीर के साथ, तो दिखता है कि निर्णय मेरा है। तो जो मैं सूचना दे रहा हूँ शरीर को एक संकेत के रूप में, उसमें भी निर्णय मेरा है। जो शरीर में संवेदना हो रही है इसको मैं पढ़ रहा हूँ, इसको पढ़ने का निर्णय भी मेरा है। इतना हम लोगों ने स्टेप 3 में देखा। फिर स्टेप 4 में जाकर हमने संवेदना और अपने बीच दूरी के को देखने का अभ्यास किया कि संवेदना और मेरे बीच दूरी है, ना तो मैं संवेदना हूँ, ना संवेदना मैं हूँ, ना संवेदना मेरा हिस्सा है, ना मैं संवेदना का हिस्सा हूँ, बल्कि संवेदना मेरे बीच दूरी है यानी संवेदना मुझसे बाहर है और मैं उसको निर्णय पूर्वक पढ़ता हूँ। स्टेप 5 में अब ये देख रहे हैं कि जो भी संवेदना को मैं पढ़ता हूँ उसको मैं कैसे अर्थ देता हूँ। दिखता है कि 3 प्रकार से संवेदनाएं मुझ तक पहुंचती हैं। एक शरीर के भीतर होने वाली जो क्रियाएं हैं उनसे जो उत्पन्न संवेदना है वो मुझ तक पहुंचती है। दूसरा किसी व्यक्ति का व्यवहार है, उसके आधार पर शरीर में संवेदना उत्पन्न होती है वो मुझ तक पहुंचती है। और तीसरा जो बाहर भौतिक रासायनिक घटनाएं हो रही हैं मुझसे बाहर शरीर से बाहर, तो उनका भी प्रभाव पड़ता है शरीर पे, उससे संवेदना उत्पन्न होती है और मैं उसको पढ़ता हूँ। और जिस भी संवेदना को मैं पढ़ता हूँ उसको मैं फिर एक अर्थ देता हूँ, और जो मैं अर्थ देता हूँ वो मैं अपने संस्कारों से जोड़ कर देखता हूँ देता हूँ। तो यदि संस्कार समझ आधारित है तो मैं एक प्रकार से अर्थ दूंगा, अगर संस्कार मान्यता आधारित है समझ के अभाव में है तो मैं दूसरे प्रकार से अर्थ दूंगा। अब इसके आगे हम लोग अगले स्टेप में स्टडी करेंगे, परंतु ये जो अर्थ देने वाला है उस पर हमने कई उदाहरण कल भी लिए थे, उसके पहले भी लिए थे, किस किस प्रकार से हम अर्थ देते हैं अपने संस्कार से जोड़कर। उसी एक घटना को हम कई प्रकार से अर्थ दे सकते हैं। आप कई बार पाएंगे कि अतीत में कुछ घटनाएं घटित हुई हैं हमारे लाइफ में, किसी का व्यवहार हम तक पहुंचा या कोई भौतिक रासायनिक घटना हुई, शरीर में होने वाली भी कोई घटना हुई और उससे हम बुरी तरह प्रभावित हो गए, ठीक है ना, और उससे दुखी भी हो गए। बट हम इस बात को कई बार नोट नहीं कर पाए कि उस घटना ने हमको सीधे सीधे प्रभावित नहीं किया, उस घटना को जिस प्रकार से मैंने इंटरप्रेट किया, उसको जैसे हमने मीनिंग दिया, उसको जैसा मीनिंग एसोसिएट किया, उसके आधार पर हम प्रभावित हुए। इसको हम अपने पर्सनल लाइफ में अगर देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देंगी जो हो सकता है एक अतीत की पीड़ा के रूप में आपके अंदर काम कर रही है और आप उसमें दूसरे को जिम्मेदार मानते हैं कि अतीत में इस व्यक्ति ने मुझे पीड़ा दी। तो आप पाएंगे कि उस व्यक्ति ने आपको पीड़ा नहीं दी, परंतु कोई घटना हुई, किसी का व्यवहार आपको मिला और उसको आपने कोई अर्थ दिया और उस अर्थ से आप पीड़ित हुए। तो जो अर्थ देना है, जो उसके साथ एक मीनिंग एसोसिएट करना है, इसको तो अपने को बारीकी से ऑब्जर्व करने की जरूरत है। इसको ऑब्जर्व करने में जो अभ्यास 1 हमने किया उसका आपको काफी सहयोग मिलेगा, जिसमें हमने अपने भाव को देखने का अभ्यास किया था, फिर ये भी देखा था कि भाव मेरा निर्णय है, और फिर ये भी देखने का प्रयास किया था कि भाव का आधार क्या है, समझ या मान्यता।
स्टेप फाइव में वहां भी हम अपने भाव के आधार को देखने का अभ्यास कर रहे थे कि समझ है या मान्यता। और यहाँ भी हम संस्कार से जोड़कर जो अर्थ दे रहे हैं संवेदना को, उसको देखने का अभ्यास कर रहे हैं। तो अभ्यास एक आपको अभ्यास दो में सहयोग करेगा, पर्टिकुलरली स्टेप फाइव पे जिस प्रकार का हम काम कर रहे हैं। तो संवेदना को पढ़ने के बाद जो मेरे अंदर कल्पनाशीलता चल रही है, जिस प्रकार से मैं विश्लेषित कर रहा हूँ उस संवेदना को, जिस प्रकार मैं उसे कोई भाव दे रहा हूँ, उसका कोई भाव एसोसिएट कर रहा हूँ, कोई अर्थ एसोसिएट कर रहा हूँ, ये सारा अपने आप में ऑब्जर्व करने के लिए। जो मैं अर्थ देता हूँ संवेदना से जो मिलता है अर्थ देता हूँ, तो इट इज बेस्ड ऑन सेलेक्टिंग एंड टेस्टिंग। तो ये कहना टेस्टिंग कहना या फिर लाइकिंग कहना, दोनों में कुछ अंतर हो सकता है क्या, या दोनों ही देखिए, शब्द ठीक है? नहीं, दोनों में अंतर है। एक तो जो अर्थ देना है वो सेलेक्टिंग एंड टेस्टिंग नहीं है। टेस्टिंग तो वहां है जहां हमने संवेदना को पढ़ा। जब मैं अर्थ दे रहा हूँ उसके पहले विश्लेषण कर रहा हूँ क्या है कैसा है, और फिर मैं अपने भाव के साथ जोड़कर उसको अर्थ दे रहा हूँ। तो जो अर्थ देना है उसमें पूरी कल्पनाशीलता का योग संयोग है। अब टेस्टिंग की अगर हम देखें तो कोई भी सूचना मैं पढ़ रहा हूँ वो मुझे टेस्ट हो रहा है। टेस्टिंग कल्पनाशीलता की भी हो सकती है, टेस्टिंग बाहर से आने वाली संवेदना की भी हो सकती है। टेस्टिंग का एक भाग है जो मैं लाइक करता हूँ, एक भाग है जो डिसलाइक करता हूँ, एक भाग है जिसको मैं इग्नोर करता हूँ, मैं लाइक करता हूँ डिसलाइक करता हूँ। तो लाइकिंग और टेस्टिंग अलग अलग है। तो एक तो ये कि अर्थ देना टेस्टिंग नहीं है, है ना, उसमें ऊपर की भी क्रियाएं शामिल है। दूसरा कि लाइकिंग उसके एक भाग है टेस्टिंग का, इनफैक्ट उसके बाद वो शुरू होता है। हमें एक सूचना मिली, ठीक है ना, अब उसको हमने लाइक किया कि डिसलाइक किया, वो फिर हमारे अपने संस्कार से जोड़कर होता है। उसी स्वाद को इस क्षण हमने लाइक किया, अगले क्षण हम डिसलाइक किया। जैसे भोजन हम ले रहे हैं, एक सीमा के बाद हम उसको डिसलाइक करने लगते हैं क्योंकि तो पेट भर चुका है। टेस्टिंग अभी भी हम कर रहे हैं उसकी। जी जब आशा की बात करते हैं हम, तो आशा को ये कहना कि सेलेक्टिंग और टेस्टिंग, और या फिर ये कहना कि बेस्ड ऑन लाइकिंग, आशा को नहीं जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो, तब जी, ये कहना कि भी डिटेल में सर अपने चित्र जो चित्रण जो किया है उसी को स्पष्टता लाने के लिए जो भी हम आशा रखते हैं, जैसे तो वो सिलेक्शन जो होता है या टेस्टिंग जो होता है उसको अगर हम ये कहें कि वो लाइकिंग के आधार पर या सिलेक्टिंग, दोनों ही संस्कार के आधार पर है, लेकिन शब्द का प्रयोग जो है लाइकिंग इस शब्द का प्रयोग करना या टेस्टिंग ही करना है। देखिए, टेस्टिंग में लाइकिंग भी हो सकता है, डिसलाइकिंग भी हो सकता है, इग्नोरिंग भी हो सकता है। हम उस संवेदना को नहीं पढ़ रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, डिसलाइक भी कर रहे हैं, तीनों संभावनाएं हैं। तो लाइकिंग जो है वो टेस्टिंग के इक्वालेंट नहीं है। लाइकिंग तो तब है जब हमारे वो प्री कंडीशनिंग से या जो हमारा हमारी सह स्वीकृति से मेल खाए, या जो संवेदना का अभ्यास है वहां मेल खाए। इन तीनों में से कहीं से एक मेल खाएगा तो हम लाइक करेंगे, अगर नहीं मेल करेगा तो लाइक नहीं करेंगे, डिसलाइक करेंगे। जैसे फीलिंग ऑफ डिसरिस्पेक्ट, आई डिसलाइक, है ना, क्योंकि मुझे नेचुरल एक्सेप्टेबल नहीं है। अब ये हो सकता है कि कोई तारीफ कर रहा है चार लोगों के बीच हमारी, और हम उसको लाइक कर रहे हैं, वो हमारी एक कंडीशनिंग है क्योंकि हमने इसी को रिस्पेक्ट माना हुआ है। फिर मैंने भोजन का भी उदाहरण लिया कि टेस्टिंग तो बराबर हो रहा है, जब भी हम भोजन ले रहे हैं टेस्टिंग हो रहा है, बट एक सीमा के बाद हम उसको डिसलाइक करने लगते हैं जब वो हमारे लिए अरुचिकर हो गया, असहनीय। भैया, जो ये तीनों सोर्स है हम हमारे तक सेंसेशन पहुंचने के, तो उसमें जो एनवायरनमेंट में जो होता है
उसको समझ में आता है कि एक जो लॉ ऑफ नेचर है, फिजियोकेमिकल वर्ल्ड का जो नेचर है उसमें होगा, तो उसमें डिस्टर्ब नहीं होना है. और दूसरों से भी जो वर्ड्स आते हैं उसको मीनिंग देना, उसको भी हाँ अभी समझ तो समझ पाई हूँ कि ह्यूमन रिलेशनशिप को समझने से और ह्यूमन नेचर, मेरा मन जैसे फंक्शन करता, मतलब मेरा इमेजिनेशन जैसे काम करता है, दूसरों का भी करेगा, तो उसमें भी वो समझ समझ के आगे बढ़ने का मुझे दिख रहा है कि हाँ तब सक्सेस मिल रहे हैं छोटा छोटा एग्जाम्पल इससे. लेकिन ये पेन का अभी तक मुझे थोड़ा अभी भी नहीं समझ में आता है, क्योंकि बहुत एक्सक्रूशिएटिंग पेन अभी तक ऐसे एक्सपीरियंस नहीं किया, तो टेस्ट मतलब इसको मैं वेरीफाई नहीं कर पा रही हूँ. खाली मैं याद कर पाती हूँ कि जैसे लेबर पेन, वो एक बहुत सीवियर पेन था, बहुत पहले की बात है, तो उसमें ये दर्द तो नहीं था, तब भी नहीं है या तो अभी भी उस टाइप का कि शरीर गया तो मैं गया, कि मरने का दर्द जो वो नहीं है, बल्कि एक अच्छी खबर ही, अच्छा घटना ही होने वाली है, वो तो मालूम ही है सबको कि एक बेबी आएंगे. तो फिर भी जो सीवियर पेन है वो पेन को बाकी दोनों चीज में कि एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, अच्छा हम लोग इतना प्री कंडीशनिंग था या तो ऐसे ही सोचते थे, अभी हम लोग दूसरा पर्सपेक्टिव से सोच सकते हैं, लेकिन पेन का जो बेयरिंग कैपेसिटी है उसको कैसे ले, क्योंकि मेरा ही बॉडी में तो सच में डिफरेंसेस तो आया है, तो बहुत ही अलग स्टेट में जाता है जैसे बर्थ प्रोसेस का वो जो है, और उसमें पेन भी बहुत ज्यादा है, तो उसको मैं ऐसे तो मन में इमेजिनेशन में ऐसे तो नहीं सोचा जाता है कि मेरा कुछ हो जाएगा इसलिए मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग जो सेंसेशन है उसको बेयर कर पाना, वो मतलब वो सेल्फ कितना उसको वो कर पाएगा, या तो जैसे मेरी दीदी जो कैंसर जो सफर कर रही थी जब शी इज नो मोर, तो उसको कितने हद तक हमारे सेल्फ में ही है कि मैं अगर सोचू कि नहीं ये तो होना होगा ही, ऐसे होने से ऐसे होगा, ये समझ आ जाने के बाद क्या मेरा कैपेसिटी टू बेयर पेन, पेन को सहन करने का वो क्या बढ़ जाएगा, वो क्या एक थोड़ा सा रियल वो नहीं है कि मुझे वो कर देते हैं, मेरा हारमोनी को बिगाड़ देते हैं बहुत ज्यादा पेन की बात करने, छोटा छोटा तो ऐसे हेडेक वगैरह आजकल थोड़ा सा वो कर रही हूँ, देख कोशिश करती हूँ देखने के लिए और थोड़ा विचलित ना होने का, मेडिसिन लेने का वो नहीं लेने का भी ये कर रही हूँ कि नहीं इतना तो छोड़ो, मैं इसमें मैं टेबलेट नहीं लूंगी ठीक हो जाएगा, ये करके देखती हूँ, थोड़ा डीप ब्रीदिंग करके देखती हूँ, ऐसे करके कर रही हूँ. प्रश्न बता दीजिए, प्रश्न क्या है? हाँ वही, बहुत ज्यादा जो पेन है जो बॉडी का जो कुछ डिस्टर्बेंस, मेजर डिस्टर्बेंस से बहुत सिवियर पेन है, उसको सेल्फ क्या डिसाइड करके कि मैं इतना पेन नहीं मतलब नहीं लूंगी, मैं आराम में रहूंगी, तो रह पाएगा क्या बॉडी, वही मतलब सेल्फ रह पाएगा क्या उस मेजर जो होगा जो पेन, बहुत ज्यादा पेन है जिसको हम लोग ऐसे कॉमन पार्लेंस में अनबियरेबल पेन बोलते हैं, तो उसमें सेल्फ का डिसीजन से ही वो पेन को हम लोग क्या वो कर पाएंगे ना, नहीं डिस्टर्ब होके रह पाएंगे, या तो मैं क्यों नहीं रह पाई थी वो उसमें लेबर पेन में, क्योंकि कुछ तो मैं मेरी ये तो आवाज निकली थी कि पेन है, जबकि मैं तो ये नहीं डर रही थी कि मैं मर जाऊंगी अभी इसी से, ऐसे तो डिस्टर्ब नहीं हुई थी. जी देखिए, ये होता है कि हमें संवेदना संवेदना के रूप में दिखाई देती है, तो अगर संवेदना बहुत तीव्र है और पेन जो भी हो रहा है शरीर में ना, वो जो आपने घटना बताई वो भी हो सकता है, या सामान्य रूप से भी हम देखें है ना, शरीर में कोई ऐसा प्रतिकूल संवेदना उत्पन्न किया जाए तो भी पेन हो सकता है, उसकी सूचना तो मुझे मिलेगी और उसके साथ मेरे अंदर ये भाव विचार भी बनता है कि अगर इसको कंटिन्यू करने दिया जाएगा तो शरीर में कोई दुर्घटना हो सकती है, शरीर खराब हो सकता है, तो हम उस संरक्षण के भाव को बनाए रखते हैं, इसलिए उसकी ओर ध्यान भी दे रहे होते हैं, क्योंकि अगर एक सीमा से अधिक है तो फिर या तो सब कोई उपचार हो, कोई मेडिसिन ले या कोई दूसरी विधि प्रयोग करें, जैसे कई बार लगता है कि
ये पेन ज्यादा हुआ तो सीजेरियन के लिए जाते हैं, उसमें वो पेन नहीं होता, तो हम उस तरह की विधियां भी जात करते हैं। ये सारा निर्णय तो मैं कहें कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाना है या सीजेरियन के लिए जाना है, तो अगर लगता है कि वो पेन बहुत ज्यादा है तो वहां पे निर्णय लेंगे। इतना जरूर है कि उस पेन से हम जो दुखी होते हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि तो ऐसा हो सकता है कि उस समय फॉर एग्जाम्पल किसी के अंदर एक अन्यथा भाव विचार चले संबंध को लेकर कि देखो इतना हम पेन सह रहे हैं, अगर कोई दूसरी विधि अपनाई गई होती तो मुझे इतना पेन नहीं सहना पड़ता, बट अगला व्यक्ति है हमारा ध्यान नहीं रखता फॉर एग्जाम्पल, तो अगर हमारा उस तरह का भाव बिगड़ेगा तो हम दुखी भी होंगे। अदरवाइज हमको शरीर एक साधन के रूप में दिखाई देता है, शरीर से मिलने वाली संवेदना को हम पढ़ पाते हैं, उसकी तीव्रता को देख पाते हैं, और इसकी आवश्यकता भी नहीं है कि हम उसको बहुत तीव्र कोई संवेदना हो रही है और उसको हम फिर भी सिर्फ देखते रहे, उसका कोई उपचार ना करें, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। तो हम निर्णय लेंगे संयम के भाव के साथ कि अगर ये बहुत तीव्र है और इसमें शरीर में कोई दुर्घटना हो सकती है, इसका कोई अलग विधि अपनाया जाए। तो कई बार ऐसा हुआ भी है कि रोजिनी के समय ही है ना डेथ हो जाती है कई बार महिलाओं की, तो उसके लिए बहुत सारे उपचार भी निकाला गया कि ऐसा ना हो, लिवर पेन से ही कई बार नहीं बच पाती है मदर्स, तो ऐसा ना हो उसका हम उपचार भी करते हैं। तो जो भी पेन हो रहा है शरीर में, एक उदाहरण है जो आपने दिया, कोई हमारे पैर पे पैर रख के चढ़ जाए है ना, कोई टेबल रख दे हमारे पैर पे, तो भी बहुत एक्सक्रूशिएटिंग पेन होगा, तो हम वो निर्णय लेंगे। बट हाँ, ये जो दुखी होते हैं हम उस संवेदना से, वो नहीं होगा, इतना ही होगा कि उसको मैं तीव्र संवेदना को मैं देखता हूँ और शरीर के संरक्षण के भाव के साथ मैं निर्णय लेता हूँ कि अगला काम क्या करना है, अगला निर्णय क्या होगा। नहीं, इसमें प्रोसेस में तो मतलब मुझे मतलब हमको बताया जाता है कि टाइम है, अभी टाइम लगेगा, लेटते रहिए। तो एकदम स्टील का टेबल था, ठंडे के टाइम था, वहां लेटा दिए और बहुत पेन तो था। और ये भी हो नहीं पाएगा कि मैं कुछ और विधि मांगू, क्योंकि टाइम है। वो भी मुझे वो उतना समझ में तो आता था कि अभी टाइम नहीं हुआ और टाइम लगेगा। आके देखते थे बीच बीच में, तो आके टाइम लगे। ये जो इंटरिम पीरियड में जो पेन हुआ, वो पेन को तो मैं जितना दूर याद कर पाती हूँ, इस टाइप के मैं वो मन में नहीं आया था कि मेरा कुछ हो जाएगा या तो मतलब और अल्टरनेटिव मेथड लिया जाए। लेकिन वो जो इंटरिम पीरियड का जो पेन है उसको मैं याद करती हूँ, तो उसमें पेन तो एकदम रियल पेन लगता है। वो मेरा दिया हुआ जैसा पेन नहीं है। तो शरीर का मैं ये बोलना चाहती थी कि जो सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है बॉडी, लेकिन उसमें जो एक दूसरे स्टेट में चले जाते हैं बाद प्रोसेस में, या तो बहुत ज्यादा कुछ बड़ा बीमारी हो, कुछ भी हो, तो उसमें जो आता है उसमें हम लोग का सेल्फ का कितना उसमें वो रहता है कि हाँ ना, कि जब हम संवेदना को संवेदना के रूप में देखते हैं तो उससे हम दुखी नहीं होते। कोई पेन आ रहा है, शार्प पेन आ रहा है, उसको मैं पढ़ रहा हूँ, उसको मैं अर्थ भी दे रहा हूँ, ठीक। तो अभी ये भी जो उदाहरण आप ले रही हैं उसको एक अर्थ मैं ये भी दे रहा हूँ उसमें कि शरीर में कोई बहुत तीव्र संवेदना उत्पन्न हो रही है, साथ में उसकी एक आशा भी बनी हुई है कि इसके बाद जो घटना होगी बहुत सुखद होगी, है ना, एक बेबी उत्पन्न होगा, तो दोनों ही साथ साथ चलते रहते हैं। उस अर्थ को हम अगर देखें तो शरीर में जो घटना हो रही है वो भी है, उस घटना के बाद जो घटना घटित होगी उसकी भी आशा बनी हुई है, ठीक है ना। तो हम उसमें इतना सुनिश्चित हो जाता है कि हमारा भाव निश्चित रहता है, हमारा भाव स्थिर रहता है समझ के साथ, और शरीर में होने वाली संवेदना को हम देख पाते हैं, उससे जो दुखी होना है परेशान होना है वो नहीं होते, इतना है। और कितनी संवेदना को हम अलाउ करेंगे तीव्रता को, वो हमारा चॉइस है। तो हाँ, उसी को एक्सप्लोर करना है, देखना है। जी, हाँ, ठीक है भैया, ठीक। उसी तरह से शरीर में कोई घटना हो रही है, सर दर्द है, बदन दर्द है, तो देखें कि वहां भी संवेदना उत्पन्न हो रही है, आप उस संवेदना का आस्वादन करते हैं और फिर अपने संस्कार जो मान्यता या समझ आधारित हो सकता है उसके साथ जोड़ कर उसको अर्थ देते हैं। यहाँ भी आपको दिखाई देगा कि शरीर में कोई घटना हो रही है उसको भी हम अर्थ दे रहे हैं। तो जो अभी बात हो रही थी लेबर पेन की, तो उसमें भी हम कोई अर्थ तो देते ही हैं, तो शरीर में घटना हो रही है उसमें हम उस अर्थ को देते हुए अपने आप में आराम में भी हो सकते हैं, परेशान भी हो सकते हैं। तो शरीर में भी जो घटना हो रही है उसको भी मैं किस तरह से अर्थ देता हूँ उसको भी देखने की जरूरत है। और कई बार आपको दिखेगा कि
इनफैक्ट खास तौर पे इस घटना को आप देखेंगे, शरीर में हो रही कोई घटना को, तो आप देखेंगे कि अगर उसको आप बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे तो वो हमारे भाव विचार को ट्रिगर करने लगता है, ठीक है ना। और फिर कई बार आपको दिखाई देगा कि अगर आप उस शरीर की स्थिति को बनाए रखते हैं तो अर्थ भी धीरे धीरे बदलने लगता है। जैसे आप एक निर्णय ले लें कि मुझे शरीर को एक स्थिति में रखना है, ठीक है ना, हाथ नहीं खोलना है, पैर नहीं खोलना है, बैठे रहना है, आंख नहीं खोलना है, फॉर एग्जाम्पल, चाहे मिनट्स बीत जाए, घंटा बीत जाए, बैठे रहना है। अब आप पाएंगे कि आप शरीर को जब उस तरह से रख लेते हैं तो आपके अंदर भाव बदलने लगता है। हो सकता है आप इरिटेट होने लगे, परेशान होने लगे, क्यों बैठा हुआ हूँ। अब जैसे ही आप शरीर की स्थिति से इरिटेट हो रहे हैं तो और भी जो घटनाएं घटित हुई हैं जिसके कारण इरिटेशन हुआ है वो ट्रिगर होकर सामने आने लगते हैं। तो बहुत सारी घटनाएं जो पास्ट में घटित हुई हैं, ठीक, या जिसकी शंका है भविष्य में घटित होने की, ऐसी घटनाएं, या जो वर्तमान में कुछ चल रहा है जिसकी से विरोध बना हुआ है, वो सारा भाव विचार भी ट्रिगर होने लगता है। और फिर जो इस संवेदना को आप अर्थ देते हैं वो अर्थ भी बदलने लगता है। इसको भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना, शरीर में होने वाली घटना को हम किस प्रकार से अर्थ देते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं, अभी हम लोग 10 मिनट ऑब्जर्व करते हैं। जो तीसरी बात है, शरीर में हो रही घटना को देखना है, संवेदना को पढ़ना है, और उसे फिर अपने संस्कार से जोड़कर जो अर्थ देना है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं अगले 10 मिनट में। तो इसमें हम शरीर को किसी एक स्थिति में रख सकते हैं और उसको बिल्कुल ना बदलें थोड़ी देर के लिए, और देखें कि कैसे आप उस संवेदना को अर्थ दे रहे हैं, ठीक, और कैसे उस संवेदना आपके अंदर भाव विचार को ट्रिगर कर रही है, किसी घटना का स्मरण करा रही है, किसी पुरानी बात का स्मरण करा रही है, या कोई शंका भय उत्पन्न कर रही है। तो वो सब हमारे अंदर पहले से बैठा रहता है और ये संवेदना उसको ट्रिगर करने लगती है। तो इससे भी हमें अपने संस्कारों का पता चलता है। तो ये तीनों ही संवेदनाओं को देखते हुए हमें अपने संस्कारों का पता चलता है जिसमें हम ठीक से काम कर सकते हैं, अपने ऊपर काम कर सकते हैं। भैया 10 मिनट ऑब्जर्व करेंगे, स्लाइड लगा दीजिएगा। अभी ये शरीर में होने वाली घटना को देखना है और उसको देखना है कि मैं कैसे अर्थ देता हूँ। जी, अभी हम लोग 10 मिनट ऑब्जर्व करते हैं, फिर 10 मिनट बाद प्रश्न लेंगे। किन्हीं का कोई प्रश्न हो, कोई शेयरिंग हो तो रख सकते हैं इस 10 मिनट के ऑब्जर्वेशन के आधार पर, या कल जो आपने असाइनमेंट किया है उसके आधार पर। तो ये किस किस प्रकार संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं और कैसे हम अर्थ देते हैं, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण काम है करने का। इस अर्थ पर जितना आप ठीक से काम करेंगे उतना हमें अपने संस्कारों का पता चलेगा और संस्कार में किस प्रकार से परिमार्जन करना है वो भी ध्यान में आएगा। तो आपको पता लगेगा कई बार कि हम अपने आप को शरीर मानकर ही जी रहे हैं, शरीर में जरा सा कुछ हुआ और हम उससे दुखी सुखी हो गए, शरीर पे बाहर का कोई प्रभाव पड़ा दुखी सुखी हो गए, किसी दूसरे ने कुछ कहा हम दुखी सुखी हो गए, और हमें इसका होश भी नहीं है। हम कहते रहते हैं कि हम निरंतर सुख पूर्वक जीना चाहते हैं, बट ये सेकेंड सेकेंड में, मिनट मिनट में हम दुखी होते रहते हैं, किसी बात से हम खुश हो जाते हैं, किसी बात से दुखी हो जाते हैं, किसी बात से आराम पाते हैं, किसी बात से परेशान हो जाते हैं, ये सब चलता रहता है और इसका हमारे पास कोई हिसाब किताब भी नहीं रहता। तो इस पर हम जितना अवेयरनेस के साथ देखेंगे उतना हमें इसमें और क्लैरिटी बनेगी, अपने संस्कारों का पता चलेगा। और ये बात जो कई बार हो रही है कि हमें से हर व्यक्ति अपने संस्कारों के साथ ही संघर्ष कर रहा है, घटनाएं बाहर घटित हो रही है, दुख या सुख जो हमारे अंदर हो रहा है वो हमारे संस्कारों के आधार पर हो रहा है और उसमें ही परिमार्जन करना है। और परिमार्जन तभी संभव है जब चिंतन, बोध, अनुभव, क्रिया घटित हो। ये काम हमको अनवरत ढंग से करते रहना है। अभ्यास एक में हमने अपने संस्कारों को सीधा सीधा देखने का प्रयास किया था और यहाँ हम शरीर से मिलने वाली संवेदनाओं के साथ जोड़कर उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो अर्थ हम देते हैं उसमें हमारे संस्कारों का रोल है और उससे हमें होश हो जाता है किस प्रकार का संस्कार हमारे अंदर बना हुआ है। जी, अगर इतनी बात को लेकर कोई प्रश्न नहीं है तो अगली स्लाइड लगा लेते हैं, उस पर बात करते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न हो, कोई शेयरिंग हो
रख सकते हैं। एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि हमने इस शरीर को लिया है सिर्फ ये अपना संस्कार का परिमार्जन का ही उद्देश्य है, या जो एक्चुअली क्या है एक्चुअली उद्देश्य हमने इस शरीर को लेके धरती पे आए हैं, तो कुछ देखिए उद्देश्य ही है चैतन्य का विकास, मैं का विकास। तो मैं के विकास के क्रम में ही अपने संस्कारों में परिमार्जन के लिए काम कर रहे हैं। इस उद्देश्य हमने शरीर का धारण किया है, अब उसको जैसी भाषा दें, शरीर के साथ रह रहे हैं, कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, धारण करने से ऐसा लगता है कि मैंने शरीर का रूप ले लिया है, ऐसा नहीं है, मैं अभी भी शरीर के साथ हूं, शरीर में नहीं हूं, शरीर का भाग नहीं हूं, मतलब मैं शरीर बन गया हूं ऐसा नहीं है, धारण करने में ये बात स्पष्ट रहे, मैं शरीर के साथ हूं और मेरे अपने संस्कारों का पता सामान्य रूप से शरीर के साथ जुड़कर ही होता है, मैं अपने आप में अपने संस्कारों पे काम नहीं कर पाता, उनको देख नहीं पाता, तो शरीर के माध्यम से मैं अपने संस्कारों पे काम कर पाता हूँ, देख भी पाता हूँ और उसमें परिमार्जन के लिए बाहर से गाइडेंस ले पाता हूँ, जीने का अभ्यास कर पाता हूँ, जांचने में सहयोग ले पाता हूँ, जी कर देख पाता हूँ, तो अल्टीमेटली अचीवमेंट तो कॉन्शसनेस में ही है, चैतन्य में ही है, मैं में ही है, शरीर तो टेम्पररी है, हम सबको पता है। तो इस तरह से करते हुए हम भिन्न भिन्न तरीकों से स्वयं में परिमार्जन के लिए काम कर रहे हैं। होता यह है कि हमारी कंडीशनिंग इतनी डीप होती है अपने आप को शरीर मानकर जीने की या बाहर से सुख पाने की, कि हम कोई शब्द सुनने के बाद, बात सुनने के बाद भी उसी में उलझे रहते हैं, लौट लौट कर हम वहीं पहुंच जाते हैं, बाहर से कोई सुख पाने के अर्थ में, अपने आप को शरीर मान के जीने के अर्थ में, तो उससे कैसे बाहर निकले उसके लिए सारा अभ्यास है। तो हमें प्रस्ताव मिला, उससे हमारी दृष्टि बनी, कुछ चित्रण बना सुखपूर्वक जीने का, तो एक आवश्यक भाग था, परंतु धीरे धीरे उस जो चित्रण का भी प्रभाव था हमारे कल्पनाशीलता पे वो भी कम होने लगा, क्योंकि अभी हम जो डीप कंडीशनिंग से हमारी अपने आप को शरीर मान के जीने की या बाहर से सुख पाने की उसमें फिर से रत हो गए, फिर इसमें लग गए। तो इस तरह से ऑब्जर्व करते हुए हम धीरे धीरे अपने ऊपर की जो क्रियाएं हैं उनको जागृत करने का प्रयास करते हैं। इनफैक्ट कल्पनाशीलता में भी अभी बहुत सारा काम हो सकता है हमारे लिए शेष है, क्योंकि हम इच्छा के स्तर पर अभी ठीक से एक्टिव नहीं हो पाए हैं, सही के अर्थ में चित्रण ही नहीं कर पा रहे हैं, सही का विश्लेषण ही नहीं कर पा रहे हैं, सही का तुलन ही नहीं कर पा रहे और बस आस्वादन के अवसर पर जीने का प्रयास कर रहे हैं, शरीर से कोई अनुकूल संवेदना मिल जाए, दूसरे से कोई अनुकूल भाव मिल जाए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट आपको ये दिखाई देगा कि जब भी हमारे पास अपने लिए समय होता है, खाली समय होता है, तो मैं उस समय क्या करता हूँ उसको ऑब्जर्व करें। मैं बाहर से कुछ सूचना लेकर अपने आप में आराम पाने का प्रयास करता हूँ, या अपने संस्कारों पे काम करते हुए अपने ऊपर की क्रियाओं को जागृत करते हुए आराम पाने का प्रयास करता हूँ, ये एक इम्पॉर्टेंट थ्रेशोल्ड है जो क्रॉस करना जरूरी है। तो ये सारी बातें हम कर रहे होते हैं परंतु हम फंसे रहते हैं कई बार उन्हीं चीजों में। तो हमारे पास यदि खाली समय मिला हमने कहाँ लगाया उसको, ऊपर क्रियाओं को जागृत करने के अर्थ में या बाहर से कोई संवेदना लेने के अर्थ में, तो ये जो नीचे की क्रियाएं हैं फिर वो प्रोमिनेंट हो जाती हैं, ऊपर क्रियाओं पे ध्यान कम जाता है। जी और एक बहुत क्वेश्चन था, जैसे कि संस्कार का परिमार्जन किए बिना इसको देह छोड़ने की समय आ गया, तो वो सेल्फ अगेन दूसरे बॉडी को सर्च करते रहता है, फिर बाद में अगेन सेम प्रोसेस चलते रहता है, ठीक है ना, स्वयं में समाधान पाने के लिए। नहीं, फिर से कहिए क्या प्रोसेस चलता रहता है।
फॉर एग्जाम्पल अभी बूढ़े हो गए तो जो संस्कार बने थे उसका परिमार्जन नहीं हुआ, तो देह को त्यागने का समय आ गया, तो अगेन वो सेल्फ दूसरे बॉडी के अंदर यानी बच्चे के अंदर जाएगा और अपना सेल्फ का परिमार्जन या स्वयं में समाधान के लिए जर्नी स्टार्ट करेगा। इट इज ओवरऑल ऐसा ही रहेगा ना फिर? हाँ, तो देखिए हम अल्टीमेटली आराम पाना चाहते हैं, यानी एक ऐसी स्थिति में होना चाहते हैं जिसको कंटिन्यू कर सकें। नहीं होते हैं तो हम अंदर अंदर छटपटाते हैं, परेशान होते हैं कि फिर क्या करें, तो उसके लिए हमको कोई बाहर से सहारा चाहिए, तो शरीर का लेते हैं सहारा। फिर शरीर के माध्यम से यदि हमने ज्ञान समाधान सुनिश्चित नहीं किया तो छटपटाहट बनी रहती है अपने अंदर, उसके लिए बार बार प्रयास करते हैं। एक शरीर बना हुआ है उसके साथ ही बार बार प्रयास करते हैं, शरीर चला गया तो फिर से प्रयास करते हैं। एसेंशियली यह है कि जो चैतन्य इकाई है उस सहज स्थिति में होना चाहते हैं, अपने स्वभाव में होना चाहते हैं, वो हो नहीं पा रहा, उसी के लिए सारी छटपटाहट है। उसको कोशिश करेंगे समय रहने पर उसका उपयोग कैसे करते हैं उसको थोड़ा देखना है मेरे को अपने। इसको जरा देखिए। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण के लिए, जैसे वीकेंड आ गया, एक दिन या दो दिन की छुट्टी है, अब देखिए आपके अंदर भाव क्या चलता है, अब क्या करेंगे? अगर लगे कि मुझे अब ये जो भी समय बच रहा है उसमें अपने ऊपर काम करना है, तो आपको ये दो दिन का समय काटना मुश्किल पड़ेगा अगर उसमें सुख नहीं मिल रहा तो। ये दो दिन ठीक, ना मुझे मूवी देखनी है, ना घूमना फिरना है, ना दोस्तों से मिलना जुलना बात करना है, ठीक, सुख पाने के लिए नहीं है ना, भले हम जिम्मेदारी के रूप में करें और अपने ऊपर काम करना है, तो आप कहेंगे जल्दी वीकेंड बीते क्योंकि बहुत थकावट वाला काम हो गया है, तो कैसे होगा। नहीं तो अगर आपको लगता है घूमना फिरना है, मौज मस्ती करना है, खाना पीना है, तो आप वीकेंड का इंतजार करते हैं। अगर ऐसा नहीं करना है तो वीकेंड आने से ही आप सतर्क हो जाते हैं कि अब क्या करें, वीकेंड फिर से आ गया नहीं। जी भैया, अभी मैं पुणे की मीटिंग में नहीं जा पाई थी, तो थोड़ा एक दिन उसकी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब थी, लेकिन फिर क्योंकि मॉर्निंग सेशन में डिस्कशन होता ही रहता है तो वो हारमोनियम में आने का प्रोग्राम मैं अपने लिए कर पाई। और दूसरा, ये जो अभी का करंट काम चल रहा है शरीर से संवेदना को अर्थ देने वाला, उसमें कल ऐसा हुआ कि कुछ काम कर रही थी मैं और बेटी भी वहीं थी, तो उसने कुछ डोर ओपन किया और मेरा भी हाथ वहीं गया, तो बहुत जोर से मुझे हाथ में लग गया। तो यूजुअल पैटर्न की तरह मैं ऐसे बोल रही थी उसको, तुम्हारा हमेशा ऐसे ही होता है, ध्यान नहीं रखती हो। फिर 5 मिनट के बाद मुझे ये सब याद आ रहा था कि हमने आज ही वो सब देखा है, तो मैं कैसे अर्थ दे रही हूँ। तो मैं कंक्लूजन पर तो नहीं पहुंच पाई कि क्या संस्कार है, लेकिन वो काफी जोर से लगा था, तो वो मतलब ऐसा एंगर और इरिटेशन वाला दिखा मुझे बस, और वो बाद में समझ आया कि ऐसा हुआ है, उसी उस मोमेंट का नहीं पता चला। तो अभी और मुझे अवेयर रहना होगा ऐसा मुझे लगता है। और दूसरा और एक पार्ट था कि आज सुबह मैं उसको ही छोड़ने स्कूल के लिए नीचे गई थी, तो 2 मिनट मैंने उसे कहा कि रुको अभी और टाइम है, हम रुकते हैं, लेकिन उसको वैन की आवाज सुनाई दी तो वो जोर से एकदम भागी, और वो भागी तो उस साइड से, वो यूजुअल इतना मतलब ट्रैवलिंग वाला रास्ता नहीं है, तो वहां से एक जोर से स्कूटर आ रहा था, तो वो और स्कूटर एक मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए उसको टच होते होते रह गया, उसको थोड़ा टच हुआ, लगा नहीं, बट फिर भी वो देखने के बाद मैं बहुत जोर से चिल्लाई भी, और मैं एक बहुत ऐसे शिवरिंग हो रहा था, फिर उसको लिया मैंने साथ में, लेकिन काफी टाइम तक वो रहा, और फिर मैं रिटर्न आई तो हमारा ये डिस्कशन भी चल रहा था, दीदी का क्वेश्चन चल रहा था, तो फिर मैं थोड़ा अपने आप में ही देख पाई कि मतलब अभी कुछ हुआ भी नहीं है, लेकिन हम कितना सारा उसको अपने में चलाते हैं कि अगर कुछ हो जाता, कुछ लग जाता, फिर
ऐसे बहुत सारा चलाते रहते हैं और उसी में कितना सारा टाइम वेस्ट हो जाता है पता भी नहीं चलता। लेकिन क्योंकि कनेक्टेड थी और मैं सुन पा रही थी तो मैंने फिर किसी से कहा भी नहीं कि कुछ हुआ है, नहीं तो फिर सबको घर में ऐसे लगता है कि ऐसा हो गया, लगा नहीं है फिर भी वो टेंस रहते हैं। तो मैं ऐसे पहली बार हुआ कि मैं शेयर किए बिना शांत रह पाई और अपने में भी ठीक हो पाई, और जो शिवरिंग और वो सब हो रहा था वो धीरे धीरे अपने में ठीक हो गया वो। तो जी, ये सब बढ़िया बढ़िया दीदी, चीजों को आप ऑब्जर्व कर पा रही हैं, बहुत अच्छी बात है। भैया। लेकिन मुझे और एक प्रॉब्लम ऐसी हो रही है अभी, जो अभी आप बता रहे थे कि खाली समय में हम क्या करते हैं, मैं ऐसा दिन का एक भी मोमेंट नहीं होगा कि मैं अपने आप के साथ ऐसे बैठ पाती हूँ। मुझे बहुत रेस्टलेस होता है। कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए, नहीं तो फिर कुछ सुनना चाहिए, देखना चाहिए, ऐसे सब होता रहता है। तो मैं उसके लिए क्या और थोड़ा ठीक करूं? मुझे ये ठीक लगता है जब वर्कशॉप होते हैं ना, तो ट्यूटोरियल सेशन में, क्वेश्चन आंसर सेशन में मैं एकदम इतनी स्टेबल हो जाती हूँ कि मैं आंसर क्वेश्चंस को, आंसर्स को ऐसे एक ठीक तरीके से देख पाती हूँ। लेकिन जब मैं खुद के क्वेश्चंस को देखने जाती हूँ तो ऐसे लगता है फ्लड ऑफ क्वेश्चंस आ गया और फिर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे नहीं देखना अब इसको। तो मैं तुरंत कुछ इंटरव्यू सुन लिया, कुछ गाना सुन लिया, ऐसे वाले प्रोग्राम में अभी जा रही हूँ और उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो रहा है। कई बार आपको लगेगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ना, क्योंकि अब हम उन चीजों को क्वेश्चनिंग करने लगे हैं और अंदर से वो जो सुख मिलना चाहिए अभी उसकी कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही। तो ये तो परतंत्रता तो है ही, और ये तो भगदड़ है कि हम सुख के लिए बाहर भाग रहे हैं। यही तो एक इम्पोर्टेंट बात है जहां से हम पूरी चर्चा शुरू की है कि सुख स्वभाव है, प्रभाव नहीं। तो इसको तो ठीक से ऑब्जर्व करें अपने अंदर, है ना, कि कैसे जो भी स्पेयर टाइम है उसको मैं अपने अंदर से सुख पाने में लगाऊं, ना कि बाहर से सुख पाने में। ये तो इम्पोर्टेंट बात है ही। और अभी इससे जो प्रश्न आ रहा था नवीन जी का, वो भी आपको दिखाई दिया कि अल्टीमेटली अगर मेरे अंदर इतनी छटपटाहट है ना, जैसे लिए मुझे बाहर की ओर भागना पड़ता है, तो जब शरीर साथ नहीं है तो बना ही रहेगा, इसी मात्रा में तो बना ही रहेगा, थोड़ा कम हो जाए ज्यादा हो जाए। तो यानी मुझे अपने ऊपर तो सीरियसली काम करना पड़ेगा। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, हम सबके लिए हो सकता है। तो मुझे अपने ऊपर सीरियसली काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये बाहर से कुछ पाकर सुखी होने का अभ्यास बना हुआ है, ऊपर ये क्रियाएं जागृत नहीं हुई है, तभी तो इतनी छटपटाहट हो रही है, तभी तो इतना भगदड़ है। तो जी बढ़िया, इसको ऑब्जर्व करें। जी भैया, थैंक यू। भैया, जो स्टेप 1 और 2 में हम लोग कर रहे थे कि बॉडी को, सेल्फ को अलग अलग देखना, और जब स्टेप 4 में आए सेंसेशन की बात होती, इसको जब देखने का प्रयास कर रहे हैं, तो पहले तो मेरी धारणा ये थी कि सेंसेशन से ही सुख सुख की प्राप्ति करी जा सकती है कंटिन्यूअसली। लेकिन जब एक्सरसाइज ये करी तो यह आभास हुआ कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, ऐसी से नहीं मिलना है। तो ये कहीं क्या स्टेप 1 2 में जो काम करते हैं, वही स्टेप 4 में भी हम सेंसेशन के थ्रू देख रहे हैं, वहां पे भी बॉडी और सेल्फ को अलग अलग देखने का ही परिमार्जन हो रहा है वहां पे? देखिए, वो तो हर स्टेप में है, अपने और शरीर को अलग अलग देखना तो हर स्टेप में शामिल है। मैं जब अर्थ भी दे रहा हूं तो मुझे दिखे कि अर्थ मुझ में दिया जा रहा है, शरीर में नहीं। तो ये तो एक मौलिक बात है, स्वयं और शरीर को अलग अलग देखना, वो तो हर स्टेप में शामिल है। अच्छा हाँ, तो यहाँ पे भी जब सेंसेशन की बात को लेके चलते ना, तो भी लगता है कि सेंसेशन बॉडी में हो रहा है और देख रहा हूं मैं, तो लगता है कि ये बिल्कुल पास में है। और कभी कभी आभास होता है कि जो सेंसेशन हो रहा है किसी भी अर्थ में, उसको बिल्कुल पकड़ सकते हैं, पास में, बहुत नजदीक है, कहीं लगता है कुछ दूरी पर है ये, और ऐसा ऐसा आभास होता है। अभी ये भी अभी तो चल ही रहा है इस तरह से, तो ऐसा नहीं है कि 1 या 2 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा, इसको हम बनाए रखे, अभ्यास को करते रहें। समय के साथ गति बनती है अपनी, किसी क्षण में बहुत अच्छी गति बन जाती है। जैसे कुछ चीजें हमारी तैयारी ग्रुप में हो गई तो हमें एक जंप मिलता है अपने अंदर, ऊपर की क्रिया हमारी एक्टिव हो जाती है। उससे पहले हम उसकी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे होते हैं, विश्लेषण करके क्या नहीं है उसकी हम छटनी कर रहे होते हैं, जो सुख के अर्थ में नहीं है ना।
उसकी छटनी कर रहे होते हैं, ये समझ के आधार पर नहीं है, मान्यता के आधार पर है, इस तरह से हम अपने आप में काट छाट कर रहे होते हैं और किसी पॉइंट पे हमारी एकाग्रता बन जाती है, दिख जाता है हमको। बढ़िया भैया, उसको बना रखे, समय हो चला है, मधु जी का हैंड रेज्ड है और ये जो सामने स्लाइड पे है इसको कल और एक्सप्लेन करेंगे, अभी इसको तो समय नहीं है। मधु जी, अगर आपके प्रश्न को बहुत ही संक्षेप में आप रख पाए, नहीं तो कल आपके प्रश्न शुरू करते हैं। जी नमस्ते भैया, मेरा बहुत ही संक्षेप में ही है प्रश्न। ये जो अभी आपने बताया कि वीकेंड जैसे हमारा खाली होता है तो हम अपने भावों को कैसे ले रहे हैं और कैसे काम करना चाहते हैं, इसमें अगर अपने इस टाइम को मैं अपने स्किल को डेवलप करने पे यूटिलाइज करना चाहती हूँ तो ये मेरा ठीक से भाव है या मैं नियंत्रित नहीं हो पा रही हूँ? कौन सा स्किल, पर स्किल का पर्पस क्या, ये देखना पड़ेगा। स्किल का पर्पस ऑफ कोर्स अर्निंग से भी है और अपने आप को बिजी रखना भी है, दोनों भाव है। हाँ, तो ये जो अर्निंग की बात है वहां हम देख लेंगे क्या आवश्यकता है कि नहीं और सुविधा की, जैसे हमने 5 डेज काम किया ऑफिस में, उससे जो अर्निंग हो रही है, अगर वो परिवार की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रहा तो हम उसको अर्निंग के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। और अपने आप को जहाँ तक बिजी रखने वाली बात है वो बहुत ठीक नहीं बैठेगा, क्योंकि ये हम कई बार अपने आप को बिजी रखने का इससे प्रयास करते हैं क्योंकि हम अपने आप में आराम में नहीं होते, तो जैसे हम खाली होते हैं हमारी व्याकुलता शुरू हो जाती है स्वयं में जी, है ना, तो वो ठीक स्थिति नहीं, यानी मैं अपने आप में आराम में नहीं, अपने स्वभाव में नहीं हूँ जी, किसी प्रभाव को बटोरने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हाँ जी, है ना, तो वो तो अब ठीक से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। पहले वाले भाग में हम देख लें कि समझ के आधार पर मैं सुविधा के लिए काम कर रही हूँ या नहीं, और दूसरे वाले भाग में तो अपने ऊपर ठीक से काम करना ही पड़ेगा। जी जी भैया, थैंक यू, नमस्ते। बढ़िया दीदी जी, नमस्ते। तो आज के असाइनमेंट के रूप में ये जो 3 प्रकार से संवेदनाएं आ रही हैं उससे हम किस प्रकार प्रभावित होते हैं, कैसे हम अर्थ देते हैं, उसको अपने आप में ऑब्जर्व करना है। और अब इसको विस्तार से हम लोग और कई स्टेप्स में बांट कर कल से देखेंगे, कल इस चर्चा को रखेंगे। और एडिलेड जी का एक प्रश्न है, शायद अभी आया नहीं चर्चा में, इन सच इवेंट एज दीदी मेंशन व्हाई डू वी कीप रिवाइंडिंग इट एज इफ इट इज स्पॉन्टेनियस इवन इफ वी नो Rewinding makes us sad and rewinding does not help. संस्कार इस प्रकार का है, अभ्यास इस प्रकार का है, क्योंकि समाधान नहीं है तो उसी की चर्निंग करते रहते हैं, रिवाइंडिंग करते रहते हैं, इसको हम ठीक से अपने आप में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आज के असाइनमेंट रूप में इतना ही है, इसको हम लोग आज ऑब्जर्व करें, कल आगे और चर्चा करेंगे। स्टेप 5 पे हमको ठीक से समय लगाना है, काफी महत्वपूर्ण स्टेप है ये। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।